ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है कुछ? नहीं। ये खुदकुशी नहीं जी, मर्डर है। ग्रोसरी, हम छोटा सोच रहे हैं। कानून बनकर आया दो दिन के अंदर देखने को मिल जाएगी। मैं इस मूवी के लिए सबसे ज्यादा पुरजोश हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी नाजरेन इस फिल्म पर क्या रद्द अमल देते हैं। मुझे जानने के लिए भी दिलचस्पी है कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की क्या कारकर्दगी होगी। आपको मालूम होगा कि इस ईद उल अजहा पर पाकिस्तान में तकरीबन 10 फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन इनमें से कोई भी खास कामयाब नहीं हो सकी। ये देखकर दुख होता है क्योंकि भारतीय फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 पाकिस्तान में 15 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, जबकि हमारी अपनी फिल्में इतनी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन माजी को भूलकर मुस्तकबिल के बारे में अच्छी तौकात जरूर रखनी चाहिए। इन तीनों फिल्मों से मेरी अच्छी तौकात है जो कि मैं आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास ग्लास वर्कर मूवी है जो 26 जुलाई को रिलीज हो रही है। यह पाकिस्तान की पहली हैंड ड्रोन एनिमेटेड फीचर फिल्म है और इसे बनाने में 10 साल लगे हैं। उस्मान रियाज ने इसे राइट भी किया है, डायरेक्ट भी किया है और मुकम्मल हाथ से बनाया है। फिल्म की कहानी एक ग्लास वर्कशॉप के मालिक और इसके बेटे की जिंदगी के गिर्द घूमती है, जो कि कर्नल और इसकी बेटी की आमद से ही अक्सर तब्दील हो जाती है। ग्लास वर्कर का बेटा कर्नल की बेटी से मोहब्बत कर बैठता है और इसके नतीजे में दोनों बाप बेटे को बहुत ज्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। दूसरी फिल्म नेचर है जो कि 9 अगस्त को रिलीज होगी। इस फिल्म में एक साइकोलॉजिकल थ्रिल पेश किया गया है जिसमें एक विलन को दिखाया गया है जो खून चूसने वाला कीड़ा की तरह लोगों को नुकसान पहुंचाता है। फिल्म में नवीद रजा पुलिस ऑफिसर के किरदार में है और वो इस कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी फिल्म है सनक जो 16 अगस्त को रिलीज होगी। ये फिल्म मोहब्बत, नफरत और इंतकाम की कहानी है। इस फिल्म को इंडियन राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने लिखा है। फिल्म में एक पागल साइको किलर की कहानी दिखाई गई है जो एक्ट्रेस के इश्क में मुब्तला होकर लोगों को कत्ल करता है। इसमें एक पुलिस और ऑफिसर की भी कहानी शामिल है जो इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आप बताएं कि आप इन तीनों में से किस फिल्म को देखने के लिए सबसे ज्यादा पुरजोश है? भाई मैं तो वर्कर मूवी के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ, मगर आप किसके लिए बेताब है मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिलचस्प वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद